के पुत्र हैं और आज भी इतना बढ़िया काम किया है कि लोग वहां दुख करते हैं कि हम लोग हार गए और इधर देखा आपने मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में एक को छोड़कर सब सीटें जीत गए और अपने प्लेन में बात कर रहे थे कि दोबारा चुनाव हो तो बीजेपी को एटलीस्ट 200 सीट्स। आज हमारे सदस्यता के प्रभारी हैं और आप सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य है कि आपको शिवराज जी की उपस्थिति में मेंबरशिप दी जाएगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चालीस विधायक उनका स्वागत करें। चंद भाई जी हमारे अध्यक्ष और आज वो भारत सरकार के सम्मानित गृह राज्य मंत्री भी है, उनका भी स्वागत करिए और मैं आप सबों का भाजपा के परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद, अभिनंदन। नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे भारतीय संस्था प्रभारी है, आज हम लोग के बीच में रविशंकर सिन्हा जी है सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता बिहार सरकार। सैयद फिरोज साहब है बिहार प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव। इधर आ जाइए। श्री लक्ष्मण सिंह जी, अजित कुमार जी, डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी, महासचिव बिहार संस्कृत संजीवन संस्थान, सतीश कुमार जी, मोबाइल लीजिएगा, स्वागत आपका भारतीय जनता पार्टी। विमल कुमार श्रीवास्तव जी, राम नरेश प्रसाद कुशवाहा जी,
विजय कुमार तिवारी जी, ईशान रवि जी, लोगों को बैठ के हॉर्न काट के तो चलिए रसीद उनको देते चले लेकिन सबको मिल जाए आराम से आप बैठ ठीक ठीक है क्योंकि आप लोगों ने सदस्यता के फॉर्म पे हस्ताक्षर आप कर दिए हैं आगे भी कार्यक्रम है। सुनील सिंह जी, संजीव राय जी, नितेश कुमार जी, ईशान रवि जी, मुकेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, मुकेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, अभय कुमार सम्राट जी, श्री यतीश कुमार जी, श्री यतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार आज बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का। आदरणीय विद्यानंद राय जी, मेरे वो प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, जैसा रविशंकर जी ने बताया होगा, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, महज एक राजनीतिक दल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हम केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे, बाकी जितने दल है देश में उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना, सत्ता प्राप्त करना। लेकिन हम केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, देश बनाने का अभियान है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का अभियान है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के आंदोलन, जन कल्याण के आंदोलन, सचमुच में भारत को भगवान का वरदान है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, केवल उनके मंत्रिमंडल के सदस्य साथी नहीं, केवल राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकार नहीं, अगर देश को आगे बढ़ना है तो 130 करोड़ भारतीयों को एक साथ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। और इसलिए बाकी पार्टियां परिवारों की पार्टियां हैं, चाहे बिहार में देख लीजिए, चाहे कांग्रेस जैसी पार्टी देश में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी विचार के आधार पर चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, विकास के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति। और भारत को आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए जिसका वो अधिकारी है उसके लिए राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और इसलिए आज अगर आप भाजपा के परिवार में आए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार का विस्तार कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, सदस्यता जिसका आधार है, तो इसलिए कर रहे हैं कि देश के निर्माण के कामों में आप सबका योगदान मिले, सबको साथ लेके। देखिए
भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सरकारों से जुड़ी, हम सदस्य अभियान चलाते थे, पहले वृक्षारोपण करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने पानी बचाने का, पर्यावरण बचाने का अभियान चलाए, स्वच्छ भारत जैसे मिशन चल रहे हैं। तो आज जो वरिष्ठ जन भाजपा में आए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में आपका सहयोग मिलेगा और भाजपा आपको साथ लेके चलेगी। मैं आपका सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत ने अब टेक ऑफ कर लिया है, तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा रवि जी ने बताया होगा, आज दुनिया की सबसे छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, बहुत जल्द हम तीसरी भी बनेंगे और उसके बाद नंबर एक की अर्थव्यवस्था भी हमारा हिंदुस्तान बनेगा। कभी हम देखते थे रूस और अमेरिका जैसे देश ही अपोलो और लूना चंद्रमा पे भेजते थे, लेकिन मिशन चंद्रयान अब हमारा भी शुरू हो गया है। भारत का झंडा सारे विश्व में फैले और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को ये देश शास्त्र शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। इससे पहले अपना देश आगे बढ़ेगा, फिर हम दुनिया को साथ लेके दिशा देंगे। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप सब शामिल हुए, आप सबका हृदय से स्वागत, आप सबका हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्यशाली है आप भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का अवसर मिला है, सौभाग्यशाली हम सब लोग जिनको नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उस टीम के साथ काम करने का मौका मिला है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रही है। एक बार फिर आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धिजीवी विचार मंच एक सामाजिक संस्था है हमारी, इसके हमारे सारे साथी आज भाजपा में अपना सदस्यता अभियान में सम्मिलित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जो योजनाएं हैं समाज के कल्याण के लिए, उन योजनाओं से हमारा पूरा मंच अपनी सहमति जताता है। उनकी योजनाओं पर देश का पूरा जनसंख्या आधारित है, वो गरीबों के लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए योजनाएं चला रहे हैं। हमारा मंच भी वैसा ही कुछ कार्यक्रम करता है। हमारा कार्यक्रम और भारत सरकार का कार्यक्रम, इन दोनों में बहुत समानताएं हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम उनके साथ अगर कंधे से कंधा मिला के चलें तो हम कुछ ज़्यादा आउटपुट समाज को दे पाएंगे।